और मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग क्लास फर्स्ट में हिंदी फर्स्ट का अपना चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दादाजी का गांव। तो आइए देखते हैं दादाजी का गांव कैसा है। गर्मियों की छुट्टियां थी, बंटी गाँव गया था। गर्मियों की छुट्टियां यानी जो हमारा समर वेकेशन होता है, उस टाइम जो बंटी था वो अपने गाँव गया हुआ था। गाँव में उसके दादाजी रहते हैं। उसके दादाजी कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। दादाजी का घर बहुत सुंदर है। घर के सामने एक नीम का वृक्ष है। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। तो उनके घर के सामने क्या था? एक पेड़ था नीम का। गांव में ढेरों पेड़ पौधे लगे हैं। ये हवा को स्वच्छ रखते हैं। स्वच्छ मतलब साफ। गांव में बहुत सारे पेड़ लगे हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है हवा को साफ रखना। दादाजी ने दो गायें पाल रखी हैं। इनमें एक काली तथा दूसरी सफेद रंग की है। दादाजी उन्हें हरा चारा खिलाते हैं। तो दादाजी के पास दो गायें भी हैं, एक काली रंग की और एक सफेद रंग की। और दादाजी उन्हें क्या खिलाते हैं? रोज खाना या चारा जो गाय और बैल खाते हैं वो खिलाते हैं। दादाजी ने एक कुत्ता भी पाल रखा है। यह कुत्ता घर की रखवाली करता है। दादाजी उसके खान पान का ध्यान रखते हैं। तो दादाजी के पास एक डॉग भी है, एक कुत्ता भी है जो घर की रखवाली का काम करता है, और दादाजी उसके खाने पीने का हमेशा ध्यान रखते हैं। वह दूध रोटी भी चाव से खाता है। चाव से मतलब पसंद से, ठीक है। वो अब बहुत शौक से जो वो कुत्ता है वो दूध रोटी भी खाता है। आगे देखिए, एक दिन की बात है, दादाजी बंटी को गांव में घुमा रहे थे। एक दिन क्या हुआ? दादाजी बंटी को लेकर गांव में घुमाने निकले। रास्ते में बंटी ने एक मोर देखा। मोर पंख फैलाकर नाच रहा था। बंटी खुश होकर ताली बजाने लगा। दादाजी बंटी को आम के बाग में लेके गए। बाग मतलब बगीचा, यानी दादाजी जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे, दादाजी बंटी को वहां पर ले गए। फिर क्या होता है? यह बाग दादाजी का ही था। उन्होंने पके आम तोड़कर बंटी को खिलाए। अब वो जो बगीचे में लेके गए थे वो किसका था? वो बगीचा दादाजी का ही था, ठीक है। तो फिर वहां पर क्या होता है? दादाजी उस आम पके हुए आमों को तोड़ते हैं और किसको देते हैं? बंटी को देते हैं, और वो खाता है। बंटी को गांव में खूब मजा आया। और बंटी को गांव में बहुत मजा आता है। वो जितने दिन भी वहां रहता है बहुत इंजॉय करता है। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा? गाँव की हरियाली को देखा, वहाँ के पेड़ पौधों के बारे में जाना, और पेड़ पौधे क्या काम करते हैं? घर हवा को स्वच्छ रखने का काम करते हैं। और बंटी अपने दादाजी के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है, और उसी के बारे में ये चैप्टर था। तो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जो भी नोट्स होंगे स्कूल मित्र आप पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।